वन क्लास को ड्राइंग बताऊंगी। ये आपकी बुक है जो मेरे पास है अभी। ऐसे ही बुक आप लोग को, ड्राइंग की बुक आप लोग को खरीदनी है, दुकान से लेकर आना है और इसमें आप लोग को ड्राइंग करना है। तो ये ड्राइंग आपको पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग करना भी बहुत जरूरी, बहुत मस्ट है। इससे आप लोगों को इंटरटेन भी होगा, आप लोग का मन लगेगा। तो आप लोग इसके से ड्राइंग की बुक ले लीजिएगा और मैम को आप बताइएगा कि आपने ड्राइंग बुक लिया या नहीं लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को स्केचिंग बताऊंगी, आप लोगों को फिगर बता फिगर ये आप लोगों का पहला फिगर है, मैं बताऊंगी आप लोगों को फिगर करना। आप लोग स्केचिंग करेंगे और कलर भी भरेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, कलर के बारे में, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और न्यूट्रल कलर। तो आइए जानते हैं सेकेंडरी कलर में कौन सा कलर होता है और प्राइमरी कलर में कौन सा होता है और न्यूट्रल कलर कौन सा कलर होता है। तो चलिए हम जानते हैं। लेट्स सी कलर विथ थ्योरी ऑफ कलर। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर में आता है रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर, इसमें आता है येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड वायलेट। ओके बच्चों, अब हमें कलर से कलर कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कलर है हमारे पास, इसको हम वाटर कलर बोलते हैं और टेम्परा कलर बोलते हैं। इस कलर को अगर ब्रश के द्वारा हम इसको मिक्सिंग करेंगे कैसे और ये कलर आप लोग को यूज करना है, वाटर कलर से भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कलर से क्या कलर बनता है। तो सबसे पहले रेड प्लस येलो को अगर हम मिक्स करते हैं तो ये ऑरेंज कलर बनता है। दूसरा, रेड प्लस ब्लू को मिक्स करते हैं तो वायलेट कलर बनता है। तीसरा, येलो प्लस ब्लू को अगर मिक्स करते हैं तो हमारा ग्रीन कलर बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? और अब आएंगे हम न्यूट्रल कलर पे, जो कि ब्लैक और वाइट होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, बीच का कलर। ब्लैक व्हाइट अगर मिक्स करेंगे तो ये हमारा ग्रे कलर बनेगा। जो भी रंग न्यूट्रल कलर के सहयोग से बनता है वो हल्का या गहरा रंग होता है, जिन्हें हम पिंक कहते हैं। किसी रंग का रंगत या हल्का पुट या छीटा देना, जैसे कि शेड्स, ब्लैक और व्हाइट को हम शेड के, जब हम शेड करते हैं, किसी चीज का शेडिंग करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्केचिंग करना। तो चलिए मैम के साथ आप लोग भी स्केच कीजिए। तो हम लोग स्केचिंग करने के लिए जब हम क्लास में होते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे चॉक के द्वारा स्केच करते हैं। तो चूंकि अभी बोर्ड तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ब्लैक स्केच के साथ। और आप लोग पेंसिल से पहले कॉपी भी बनाइएगा फिर कलर भरिएगा। तो चलिए हमारा पहला लेसन हम शुरू करते हैं ड्राइंग करना। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को करना है। ये हमारा बुक है, प्राइमरी कलर एंड शेप्स। प्राइमरी कलर एंड शेप्स जो दिया हुआ है उसी हम लोग यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, ये तीन शेप्स है। इसमें आपको कलर भरना है। तो कौन सा कलर भरना है बच्चों? प्राइमरी कलर। मैंने आपको बताया प्राइमरी कलर में आता है रेड, येलो एंड ब्लू, वो हम लोग को इसमें भरना है। तो ठीक है, आवर थ्री लिटिल बियर फ्रेंड्स आर होल्डिंग देयर प्राइमरी शेप्स सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल, लेट्स कलर द शेप्स विथ रेड येलो एंड ब्लू। तो हम लोग को अभी इसमें कलर भरना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाना आप लोगों को बताते हैं कि फिगर कैसे बनता है। तो चलिए, किसी भी फिगर को बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसको आउटलाइन देना होता है। ये आउटलाइन देना होता है, हम यहाँ पे अपनी नज़र को सिर्फ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम अपनी नज़र डालेंगे और हम लोग आउट करना शुरू करेंगे आउटलाइन। तो सबसे पहले हमें आउटलाइन करना है। तो ये बियर है, बियर का से हमें ऐसे देना है, ये आया, इसको ऐसे 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 सर्कल बनाना है। आपको यहाँ देखना है, इसके साइड में देख, अंदर की नहीं देखना है, ये साइड का देखना है। ये देखा, इसके बाद हमें इसकी ईयर्स बनाने हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 करना है। आप लोग पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है, और उसके पहले फिर बाद में हमें इसकी आइस बनानी है ऐसे, और फिर यहाँ से जाते हुए फिर एक राउंड करना है गोल सा, और फिर इसकी नोज बनानी है ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, इसका माउथ बनाएंगे। ये हमारा ऊपर का तैयार हो गया। अब हमें इसका नीचे का ये पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को तैयार करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है। ये आने के बाद अब इसके हैंड को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल डालेंगे, हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे हाफ सर्कल डालेंगे, फिर हमें 1 2 3
वन टू थ्री देना है, और फिर हमें ये सर्कल को इसे टच करते हुए ये सर्कल को ऐसे 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 लेकर के ये सर्कल बना देना है, हो गया। अब उसके बाद हमें इसकी लेग बनानी है, ठीक है बच्चों, ये सर्कल बनाए, अब हमें इसकी लेग बनानी है ऐसे ऐसे राउंड घुमाते हुए, फिर इसको ऐसे घुमाते हुए, फिर इसको पैर को एक ऐसे लाइन देंगे, फिर यहाँ पे एक ऐसे लाइन देंगे, फिर उसके बाद हम इसके सूज को तैयार करेंगे। फिर ऐसे किया दोनों साइड से बराबर, फिर यहाँ से ऐसे लाइन आएंगे, फिर यहाँ ऐसे लाइन दिया, फिर एक ऐसे लाइन देते हुए हम इसके सूज बनाने, फिर एक लंबी लाइन देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे हाफ सर्कल, फिर ऐसे घुमाते हुए ऐसे जाना है, और एक यहाँ पे ऐसे दे देना। एक सूज तैयार हो गया, अब हमें दूसरा सूज दूसरे शेप का है तो हमें इसे दूसरे शेप देने, फिर ऐसे लाइन करनी है, फिर एक छोटा सा ऐसे करना है, लाइन देना दो लाइन, उसके बाद फिर यहाँ से हाफ सर्कल घुमाते हुए, ये हाफ सर्कल घुमाया मैंने यहाँ पे, आपको सिर्फ आउटलाइन देखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन देनी है, फिर यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऐसे देना है, हो गया। और उसके बाद हमें ये इसका पक्का ऐसे तैयार करना है, सूज लेस है ये हमारा, सूज लेस तैयार हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें एक अंदर से ऐसी लाइन देनी है, एक अंदर से ऐसी लाइन देनी है, तो हमारा ये टेडी बियर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये टेडी बियर तैयार हो गया, अब उसके बाद ये सर्कल मैंने बनाया, चूँकि अब यहाँ पे थ्री है, हमें सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल इसमें हमें कलर भरना है, ठीक है। तो ऐसे ही टेडी बियर आप यहाँ बनाएंगे, तो चूँकि अभी हमें अब एक ट्रायंगल ऐसे बना देना है, सॉरी स्क्वायर है ये, स्क्वायर बना देना और फिर ट्रायंगल बना देना ऐसे, ठीक है, हो गया। अब हमें कलर भरना है इसमें प्राइमरी कलर, सबसे पहले प्राइमरी कलर में हमें भरना है रेड येलो एंड ब्लू। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कलर कैसे भरेंगे। तो कलर भरने के लिए हमें पेस्टल कलर यूज करना है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, डॉम्स का भी ले सकते हो या फिर कैमल का भी ले सकते हो। तो मैंने आप लोग को कलर, चूँकि यहाँ पे बोर्ड पे हो नहीं पाएगा इसलिए मैंने कलर के लिए यहाँ पे पहले से फिगर बना के रखा है, टेडी बियर के साथ सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो हमें कलर करना है, तो हमें सबसे पहले कलर करना है आपको रेड कलर, तो रेड कलर हम करेंगे हमारे स्क्वायर में, ठीक है। ये देखिए कलर कैसे करना है बच्चों, एकदम आउटलाइन के अंदर करना, हमारा कलर आउटलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हल्का हल्का हम लोग ऐसे देते हुए इसको घुमाते हुए ऐसे कलर को हम लोग घुमाएंगे, कलर करना है ऐसे घुमाते हुए, ठीक है। ये देखिए हमारा कलर हो रहा है बहुत अच्छे से, राउंड राउंड देते हुए ऐसे, फिर हमें इस सारे कलर को फिल कर देना है इसके अंदर। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको घर में बैठ के इस ड्राइंग को ड्राइंग कीजिएगा पहले, इससे आपका स्केचिंग भी सही होगा और कलर भी सही होगा, ठीक है। तो घर में बैठ के आप लोगों को ड्राइंग करना, और ड्राइंग की बुक लेना बहुत ज़रूरी है, आप ड्राइंग की कॉपी, ड्राइंग का बुक, पेंसिल, कलर, इरेजर तो आपके पास होगा ही और सारे कलर्स, तो आप लोग करिए। और मैम को बताइए कि आप लोगों ने शुरू किया या नहीं, बुक लिया कि नहीं, तो आप लोग लीजिए। तो ये हमारा रेड कलर हो गया, अब हम करेंगे येलो कलर। तो ये हमारा येलो कलर है, और भी हमारे पास कलर है येलो, इधर भी है हमारे पास कलर, तो हम येलो कलर करेंगे हमारे स्क्वायर में। तो हमें येलो कलर करना है, तो ये देखिए हम येलो कलर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारा येलो कलर हो गया, इसमें हमारे स्क्वायर में येलो कलर हुआ, क्योंकि ये कार्डबोर्ड भी येलो कलर का है और कलर भी हमारे पास येलो है, तो वो उतना सही से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप लोग कॉपी पे बनाओगे, बुक में कलर करोगे, तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता चलेगा। और ये जो हमारा टैडी है, इसमें हम लोग टैडी बियर जिस कलर का होता है ब्राउन कलर का, तो आप लोग ब्राउन कलर का टैडी बियर को कलर कर सकते हैं। और ये हमारा तैयार हो गया येलो कलर, अब हम इसमें करेंगे कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर करेंगे हमारे ट्रायंगल में, ठीक है। ये देखिए ये हमें आउटलाइन के अंदर ही करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, कलर हमारे बाहर नहीं आने चाहिए। पहले हम यहाँ देखिए ये कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। ये हमें आउटलाइन के अंदर ही करना है, ऊपर से नीचे की ओर कलर को लाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर कलर लाते हुए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा कौन सा कलर हुआ बच्चों, ये हमारा प्राइमरी कलर हुआ, तो जिसमें से रेड येलो एंड ब्लू, ये हमारा प्राइमरी कलर है, आप लोगों को समझ में आया। तो ये आप लोगों को घर पे करना है ऐसे, ये देखिए रेड येलो एंड ब्लू, ये कलर यहाँ पे बताया भी गया है, रेड येलो एंड ब्लू,
आप लोग को करना है सर्कल में, स्क्वायर में और ट्रायंगल में। इससे आप लोग को पता चलेगा ये हमारा प्राइमरी कलर है। और यहाँ पे देखिए ये मैम के लिए, आप लोग कॉपी ये बुक पे कलर करके रखेंगे तो मैम यहाँ पे आप लोग को क्या देगी, नंबर्स देगी। तो आप लोग को ये करना, और बुक लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो आप लोग बुक लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को टू क्लास को ड्राइंग बताऊंगी। ये टू क्लास का बुक है। टू क्लास के बच्चों आप लोगों को भी ड्राइंग की बुक लेनी है, ऐसी आप लोगों की बुक है, आप लोगों को लेना। और इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कलर के बारे में, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड न्यूट्रल कलर के बारे में मैंने बताया है। यही आप लोगों को फॉलो करना। फिर मैं इसके बाद थ्री क्लास को बताऊंगी, फोर को बताऊंगी और फाइव को बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आप ड्राइंग करना शुरू करते हैं। ये आपका ड्राइंग की बुक है और आपको भी ऐसे ही ड्राइंग करना है, स्केचिंग करना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे ड्राइंग करना है। ये आपका पहला लेसन है, न्यू बुक पहला लेसन। हमें पढ़ना है पोमोग्रेनेट अनार, कंप्लीट एंड कलर द पोमोग्रेनेट, डोंट फॉरगेट टू कलर द लिप्स। हमें पोमोग्रेनेट में कलर करना है और हमें लिप्स को कलर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम कलर आपको स्केचिंग पहले बताऊंगी, फिर कलर बताऊंगी। तो चलिए हम लोग स्केचिंग करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले कोई भी फिगर बनाने से पहले हमें आउटलाइन लिखना होता है। ये देखिए पहले हम यहाँ पे ये पेड़ की जो डाली है इसे हम आउटलाइन करेंगे। पहले यही आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले हमारी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कैसे गया, तो देखिए हमें ऐसे लाना, एक सीधी लाइन ऐसे लानी है, फिर एक यहाँ से लाइन लाते हुए फिर इस लाइन को हम इसमें जोड़ देना है। फिर लिप्स के लिए हमें यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, ये लाइन, फिर ये लाइन यहाँ से निकालेंगे और फिर ये लाइन यहाँ से निकालेंगे और हमारे लिप्स को तैयार करेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये जो ऐसा बोर्ड है इसमें स्लिप करता है, इसलिए तो ब्लैक बोर्ड पे सही से होता है। ये देखिए ठीक है बिल्कुल ऐसे फिर बनाना है। फिर हमें ये जो है इसके लिए हमें ये सर्कल तैयार किया। अब फिर हमें इसका ये तैयार करना है, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये ऐसे आप लोगों को बनाना है। ये बुक है आपकी, इस बुक में ही आप लोग कलर कर सकते हैं। ये बुक में ही आपको कलर करना है और लिप्स पे भी कलर करना है, सारे लिप्स पे करना है और ऐसे आपको करना है। फिर मैंने अब चलिए मैं वो कलर करना बताती हूँ। तो कलर हम पेस्टल कलर से ही करेंगे। देखिए यहाँ पर टू ग्लास का ड्राइंग है, लिप्स पे करना और पोमोग्रेनेट पे करना। तो इसे हमें ग्रीन और रेड कलर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्राउन कलर को यूज करना है आउटलाइन के अंदर, ठीक है ऐसे। ये पूरे में आप लोगों को कलर कर लेना है। फिर हमें ग्रीन कलर लिप्स में करनी है, हल्का हल्का शेडिंग करते हुए ऐसे करना है। ये आपको पूरे बुक में करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें रेड कलर को यूज करेंगे। कलर ऐसे जाने चाहिए कि आपका कलर बाहर नहीं है। आप अच्छे से कलर कीजिए। आप इसके लिए पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, जबकि ये पेंसिल कलर आता है ना, ये पेंसिल कलर से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पोमोग्रेनेट में कलर करना है, अनार में हमारे कलर करना है। तो देखिए पहले कलर कैसे करेंगे। ये हमारा कलर आउटलाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर हम कलर को लाएंगे, ठीक है बच्चों। देखा ये टू क्लास का ड्राइंग है, ऐसे आप लोगों को कलर करना है, लिप्स में करना है, इसमें करना है और आपको अनार में आपको कलर करना है। अच्छे से बिल्कुल भी कलर को बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम परफेक्ट कलर करना है। तो ये टू क्लास का ड्राइंग है, आपको बुक भी लेनी है और आपको ड्राइंग भी करना है। तो ये आपका बुक है आपको बच्चों। अब हम थ्री क्लास का ड्राइंग करेंगे। तो ये थ्री क्लास का बुक है, थ्री क्लास के बच्चों का बुक है। थ्री क्लास आपको भी ये बुक लेना है अब, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका ड्राइंग है, ये देखिए इट्स ए जेब्रा, लुक एट द जेब्रा ग्रेजिंग द फील्ड, कलर द स्ट्राइप्स ऑफ द जेब्रा, डू नॉट फॉरगेट द कलर द फील्ड। हमें जेब्रा के साथ साथ ये पूरे फील्ड में ग्रास में समय कलर करना है। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं जेब्रा, फिगर बनाते हैं, आइए। कोई भी फिगर बनाने से पहले मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हमें आउटलाइन ही करना है। तो सबसे पहले हमें जेब्रा का फेस को आउटलाइन करेंगे। तो ये फेस है, यहाँ से हम शुरू करते हैं,
तो चलिए कैसे करते हैं शुरू, ये देखिए ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इसके ईयर्स को बनाएंगे और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी डालेंगे ये लाइंस। उसके बाद फिर हमें ये लाइंस ऐसे देनी है, उसके बाद हमें ये लाइंस ऐसे जाना है, फिर इसके टेल को पूछ को यहाँ पे लाना है, ऐसे मिला देना है। उसके बाद एक लाइंस फिर हम ऐसे लाएंगे, फिर उसके बाद इसके पैर को ऐसे बनाएंगे, ये वाला तैयार किए, फिर यहाँ से एक लेग यहाँ से ऐसे तैयार किया, फिर इसको ज्वाइन करेंगे और फिर ये वाला फिगर ऐसे ले लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे और उसके बाद फिर हमें यहाँ से ऐसे लाइन लानी है, फिर एक लाइन हमें ऐसे लानी है। आइस बनानी है और इसको ऐसे ये जोड़ना है, ये लाइन आउट लाइन यहाँ करना है, फिर इसके नोज को बनाएंगे, फिर इसके आइस को बनाएंगे, ऐसे लाइन देके ऐसे राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे फिर ऐसे ही, और जेब्रा के अंदर जो लाइनें होती है वो लाइन हमें इसके अंदर फिल कर देना है, ठीक है। ये देखिए बस आप लोगों को फिल करके चले जाना है बच्चों, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ग्रास तैयार करना है, ठीक है। ये हमारा जेब्रा तैयार हो गया। अब हमें कलर कैसे करना है, जेब्रा के जो लाइंस हैं लाइंस में हमें कलर करना है ब्लैक कलर, तो हमारे पास ब्लैक कलर है तो हमें इसमें ब्लैक कलर, यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि कलर्स में हो नहीं पाएगा इसलिए मैंने यहाँ बताया, तो इसके अंदर हमें बस कलर भरते चले जाना है, ठीक है। देखिए बच्चों आप लोग इस तरह से पूरे कलर करना है जेब्रा में, क्योंकि मैंने किया है यहाँ पे, आप लोग को इसी तरह करना और पूरे फील्ड में जो हमारा आसपास का एरिया है उस पूरे में फील्ड में ऐसे कलर करना है, और फिर ग्लास में, ग्लास में भी हमें घास में भी कलर करना है, ऐसे आप लोगों को करना है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बुक लीजिए और इस बुक में ऐसे ड्राॅइंग कीजिए, तो ये आप लोग का कम्प्लीट हो गया 3 क्लास का, ठीक है। देखिए बच्चों ये 4 क्लास का ड्राॅइंग बुक है, आप लोग को 4 क्लास को भी आप लोग को ड्राॅइंग की बुक लेनी है, और हमें पहला लेसन आप लोगों का ड्राइंग ये है काउ बॉय, ठीक है बच्चों। तो हमें आज करना है दिस इज टॉम द काउ बॉय, ड्रेस एंड कलर हिम विथ स्केच पेन और कलर पेंसिल एज शो इन द पिक्चर। हमें स्केच पेन को यूज करना है, स्केच पेन से हमें आउटलाइन करना है जो काउ बॉय है, इसके स्केच पेन से हमें आउटलाइन करना है इसके पूरे बॉडी को, उसके बाद हमें कलर पेंसिल से इसके अंदर कलर फिल करना है। तो आप लोगों को समझ में आया, तो चलिए मैं आप लोगों को स्केचिंग करना बताती हूँ, स्केचिंग कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आउटलाइन करेंगे उसके बाद ही कुछ होता है, तो सबसे पहले हमें फेस को आउटलाइन करना है, ये हमारा फेस हो गया, ये देखिए फेस को लिया, यहाँ से राउंड किया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैप है उसको, कैप को हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे चले जाएंगे, इसको ऐसे लाना है, ऐसे इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे कराएंगे, और हमें इसके आइस के ऊपर ऐसे तैयार करना है, आइस को फिर ऊपर की तरफ दोनों साइड से फिर नीचे की तरफ घुमाना है, आइस को ऐसे देना है, फिर इसके नोज को तैयार करना है, फिर इसके माउथ को तैयार करना है, ठीक है। और हमें इसके हेयर को बनाएंगे ऐसे, शोल्डर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ऐसे आप लोगों को फिगर बना के चले जाना है, ठीक है।
कर बनाना ऐसे, और फिर उसके बाद तुम्हें कलर भी करना है। तो समझ में आया आप लोगों को बच्चों, फोर क्लास, ठीक है? ऐसे आप लोग को फिगर बनाना है। अभी हम लोगों को इसमें कलर करना है, ठीक है? तो जो कलर यहाँ पे बताया गया है उस तरीके से हमें इसमें पहले आउट, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमें स्केच पेन से आउटलाइन करना है, उसके बाद हमें इस तरीके से लाइन खींचते हुए हमें इसमें कलर भरना है। इसमें डायरेक्टली कलर नहीं भरना है, इसमें सिर्फ स्केच को मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलिए ब्राउन, तो देखिए मैंने फिगर यहाँ बनाया है कलर भरने के लिए। तो सबसे पहले हमें स्लीव कैप में हमें ब्राउन कलर भरना है, और कैसे भरना है, सिर्फ आपको शेडिंग करते हुए भरनी है, ठीक है बच्चों? ऐसे हमें इसके कलर को पूरे में कलर करना है। तो अदरवाइज जो आपके पास कलर है वैसे आपको कलर करना है, नहीं है तो आपको आपके पास जो कलर अवेलेबल होगा उस तरह से आपको लाइनिंग करते हुए आप लोगों को कलर करना है, ठीक है बच्चों? आप लोगों को समझ में आया फोर्थ क्लास? तो ये ड्राइंग आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। आप लोग ड्राइंग कीजिए अपने घर में, अपने घर में ड्राइंग कीजिए, और बुक लीजिए, बुक लेना बहुत ज़रूरी है, बुक लीजिए। अब मैं आपको फाइव क्लास का ड्राइंग बता दूँ, ठीक है? ओके बच्चों, ओके बच्चों, मैंने वन से फोर तक क्लास को ड्राइंग बताया, अब आप फाइव क्लास की बारी है। ये देखिए फाइव क्लास, ये आपका ड्राइंग का बुक है, आपको ऐसे ही बुक खरीदना है। तो प्राइस के साथ साथ ड्राइंग करना भी बहुत ज़रूरी है, तब लोग ड्राइंग लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अब आपको बताती हूँ आपका ड्राइंग। तो ये हम वॉश है, ये आप लोगों को बनाना है। तो चलिए हमें शुरू करते हैं वॉश डॉट टेक्निक, ठीक है? डॉट्स टेक्निक रिक्वायर द यूज ऑफ स्केच पेंस कलर द वॉल्स यूजिंग द डॉट्स टेक्निक। डॉन्ट फॉरगेट द फॉलो द टोन्स आर ऑफ डार्क एंड लाइट एरिया, पुट मोर डॉट्स इन द डार्कर एरिया एंड लेस डॉट इन द लाइटर एरिया टू क्रिएट डायमेंशन। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग को मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। ये हमारा वॉश है, यहाँ पे देखिए ये इसका डार्क एरिया है, ये लाइट एरिया है, ये भी लाइट एरिया है, ये लाइट एरिया और ये लाइट एरिया, और इसके साइड का ये पूरा डार्क एरिया है। तो हमें लाइट एंड डार्क एरिया को कलर करना है। कलर क्या मीन्स डॉट्स करना, हमें सिर्फ डॉट्स टेक्निक को यूज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, ओके बच्चों? तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आउटलाइन, मैंने जैसे बताया ये आउटलाइन लेंगे, ये आउटलाइन को ऐसे किया, फिर इसको ऐसे जाएंगे अंदर की तरफ मूव करते हुए, फिर एक लाइन्स यहाँ पे डालना है, फिर एक लाइन्स यहाँ पे डालना है, और फिर हमें इसको यूज ये बनाना है। ये हमें कैसे बनाना है, ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हमें रुक जाना है, और हमें फिर इस लाइन को प्लेन करना बराबर, ठीक है? और उसके बाद हमें ये नीचे का बस का नीचे का हिस्सा बनाना है। तो इसके लिए हमें एक लाइन ऐसे जानी है, एक लाइन ऐसे जाना है, और फिर इसको हमें आपस में मिला देना है, ठीक है? समझ में आया? तो ये हमारा बस तैयार हो गया। अब इसे कैसे हमें डॉट्स को फिल करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी, ठीक है? तो कैसे करना है, डार्क एरिया और लाइट एरिया हमें यहाँ पे करना है। तो हम सबसे पहले देखिए सिर्फ डॉट्स करना है, कलर नहीं करना है। मैंने अलग अलग तरीके से कलर बताया है, अब यहाँ पे अलग अलग तरीका है, हम लोग ड्रॉस करेंगे। ये हमें डार्क एरिया लेना है, इसे हमें डार्क करना है, ठीक है? और ये हमें लाइट एरिया लेना है, यहाँ पे हमें लाइट ड्रॉस करने हैं, ठीक है? इसी तरीके से हमें करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया, डॉट्स कर लिया। तो ये देखिए मैं, ये हमारा डार्कर एरिया है, ये हमारा लाइटर एरिया है, ये लाइटर एरिया है, ये डार्कर एरिया है। ऐसे ही हम लोग को चेरी में भी ऐसे करना है कलर्स को, ठीक है? फाइव क्लास हम लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोग को वॉश बनाना है, और ऐसे ही डॉट्स में कलर करना है। तो आप लोगों को आज मैंने बहुत सारे ड्रॉइंग का तरीका बताया, ड्रॉ करके बताया, टेक्निक बताई, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को तो आज बहुत मजा आया होगा वन टू फाइव क्लास। तो फिर हम लोग हमारे अगले क्लास में फिर मैं आपको और भी ड्राइंग बताऊंगी आपकी बुक से। तब तक के लिए आप लोग बुक खरीद लीजिएगा और मेरे साथ फिर ड्राइंग करेंगे हम लोग साथ मिलके। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।